मस्त एकदम रास्ता पहाड़ी एकदम नेचुरल, देखो कितना पहाड़ी है। थोड़ा चलने का तो नहीं है, ट्रैकिंग जैसा नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत घूम सकते हो आप अच्छे खासे। ऊपर को रास्ता है जी, भावनी जब दिया बहुत खराब काम है भाई, योगासन रे बसतु ना कौन ये भाई देख ये योगा में बैठा है भाई अपना ना कौन या भीतर करी पड़थे लोग को सब जीवा ए सही रे भैया हां ये बड़ बात है ये पर बैठ ले वो ये पर बैठ ले सही बात यहाँ इस तरह इस तरफ से रोड है ठिया बापा सुविधा नहीं था खाली एक कपूर बाटा नहीं गयो और हमरा आदि घंटा पाठे ऊपर ऊपर ढिंग गयो कोई मोरी वाला ना ना देखो मोरी वाला बे नीला चिंकी एला की गोठो होबी ना ये बड़े जो पंछी बाटो अच्छा से सुरंग दे उठा दे आ जी भाई महादेव एटा कोन भाई की जाने छी प्रकृत रे ना से रिक्स नहीं जाय जाय जुआ भलो ना मय ए 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 किसी हम मैंने जीवन के पार झी मत अखंड कड़गला
आई ले रही तू काय वगदा भाबुच कोडे कोडे चल तोडू ना ना पहाड़ ऊपर कोंटा गुड़ा से रास्ता कौट अच्छे फोटो सेंड कर पारे वीडियो जहाँ हाँ एटा 360 टा पूरा उठी चार जी भी ठिया उठी इधर तो ये टॉप मोस्ट पहाड़ नहीं है ये ऊपर से आगे इधर से झरना झरना आता है इधर से वो झरना आता है ये तब पूछ लेने देख लाऊंगा देखिए उठे जले वो पहाड़ से आता है अच्छा ये ही कोने पड़े ये बारिश भी शुरू हो रहा है 365 दिन रहता है लेकिन कम रहता है बारिश के समय ज्यादा होता है जैसे कि सन टाइम सन के समय इसके टाइम ज्यादा होता है ये ऊपर से नजारा है इसका बहुत खूबसूरत है यहाँ पे भी ऊपर से जा सकते हैं भाई बहुत ये है जाना तो मुश्किल है पर इधर जा सकते हो तू ऐठे से बसेलू नाला छाड़ दिया ऐसी कार्यक्रम करते कमी आस बड़ सरी हो बड़ बंचुच कौटर हालत खराब हो पुणी बुल आस तो चौड़े नहीं पड़े हाँ ग्रीप अच्छे कहीं हूँ बर्षा बर्षा है तो पैसा भाई का रिकमेंडेशन है कि चप्पल खोल के भाई आइएगा नहीं तो अच्छा ग्रीप वाला शूज पहनिएगा जो स्लिप करता है मेरा भी चप्पल है स्लिप कर रहा है लेकिन एक बार आया हूँ तो ठीक है थोड़ा जान पहचान रास्ता है नहीं बहुत ही टेढ़ा मेढ़ा रोड है नहीं रोड नहीं है ट्रैकिंग वाला रोड है बाप रे ये तो बैंड बजा के छोड़ रहे यार थोड़ा मोड़ा तो मज़ा आएगा इसमें ट्रैकिंग करके आपको माउंटेन चढ़ना
तो चलते हैं, आज के लिए इतना ही ब्लॉग से, ये कंटिन्यूएशन के लिए, फिर कभी कौन से साल आएंगे तो फिर अगर कुछ और नया होगा तो ज़रूर दिखाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, और आप खूबसूरती का नज़ारा उठाते रहिए। अगर आप इसका पहला वाला पार्ट नहीं देखे हैं तो ज़रूर ऊपर डिस्क्रिप्शन में जाके या ऊपर जो लिंक दिया गया है आई बटन में, वहाँ पे जाके ज़रूर चेक कीजिए, वो भी खूबसूरत चीज़ है। सो नेक्स्ट ब्लॉग तब तक बाय बाय, नेक्स्ट ब्लॉग फिर मिलते हैं आपको। और हाँ, बहुत ज़रूरी चीज़, अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर दीजिए, थोड़ा सपोर्ट कीजिए, और लाइक शेयर वगैरह जो है अगर आपको अच्छा लगे, अगर ये एरिया आना है, जिनको आना है, खूबसूरत वादियाँ या चीज़ें देखना पसंद है, उनको शेयर कीजिए कि वो इस जगह के बारे में जाने और आए। और आप जो देख रहे हैं अगर आपको भी आना है तो ज़रूर आइए। तो स्पेशली इसमें इसलिए बोल रहा हूँ कि ये मेरे मतलब मेरे डिस्ट्रिक्ट में ही है, मैं चाहता हूँ कि ये टूरिस्ट प्लेस तो बन ही गया है, चाहता हूँ कि मेरे डिस्ट्रिक्ट का जो खूबसूरत चीज़ है कुछ कुछ, तो मेरे दोस्त लोग, मेरे जो यूट्यूब फैमिलीज अभी बन रहे हैं धीरे धीरे, वो भी आके इसको देखें। तो तब तक बाय बाय, प्लीज़ सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर, प्लीज़ सपोर्ट मी।